डियर स्टूडेंट्स आई वेरी वॉन्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माई टूडेज लेक्चर ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इन टूडेज लेक्चर वी विल डिस्कस अपॉन द टॉपिक एरियाज फॉर सेटिंग बिजनेस ऑब्जेक्टिव जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने ऑब्जेक्टिव सेटिंग के रेफरेंस में कम्प्लीट स्टडी को फोकस किया था आज के लेक्चर हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन से एरियाज हैं जहाँ बिजनेस ऑब्जेक्टिव को प्रॉपरली सेट किया जाना चाहिए द फॉलो पॉइंट हाईलाइट द एट मेजर एरिया आइडेंटिफाइड बाय पीटर ड्रकर पीटर ड्रकर एक बहुत फेमस मार्केटर रहे हैं इन्होंने क्या करा इन्होंने आठ मेजर एरियाज को हाईलाइट किया जहाँ किसी भी पर्टिकुलर बिजनेस को अपनी सक्सेस को एंश्योर करने के लिए ऑब्जेक्टिव्स को सेट किया जाना बहुत ही जरूरी है तो आज के लेक्चर में हम उन पर्टिकुलर मेजर एरियाज को डिस्कस करेंगे द वेरी फर्स्ट एरिया इज दैट इज मार्केट स्टैंडिंग अ बिजनेस मस्ट सेट ऑब्जेक्टिव कंसर्निंग वॉट शेयर ऑफ द मार्केट इट विल ट्राई टू कैप्चर बेस्ट मार्केट शेयर रिक्वायर्स केयरफुल एनालिसिस ऑफ यानी कि जब हम किसी भी बिजनेस की बात करते हैं तो उसको किस पर्टिकुलर मार्केट शेयर को कैप्चर करना है कितना मार्केट शेयर कैप्चर करना है इसके रेफरेंस में अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेट किया जाना बहुत जरूरी है और जब इस टाइप का को कोई भी ऑब्जेक्टिव बिजनेस कंसर्न के द्वारा सेट किया जाता है तो उसके लिए एक प्रॉपर केयरफुल एनालिसिस को फॉलो किया जाना जरूरी है और ये जो एनालिसिस है वो किसके रेफरेंस में होती है द वेरी फर्स्ट वन इज द कस्टमर्स एंड प्रोडक्ट्स और सर्विस कंपनी जिन कस्टमर्स को डील कर रही है या डील करने जा रही है और जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज इसके द्वारा ऑफर किए जा रहे हैं अपने कस्टमर्स के लिए इसके रिगार्डिंग प्रॉपर और केयरफुल एनालिसिस को फॉलो किया जाना जरूरी है सेकेंड वन इज द मार्केट सेगमेंट्स मार्केट सेगमेंट का मतलब व्हाट ग्रुप ऑफ कस्टमर्स आर बाइंग द प्रोडक्ट और सर्विसेज यानी कि वो कौन से पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कस्टमर्स हैं जो आपके प्रोडक्ट्स को या सर्विसेज को कंज्यूम कर रहे हैं तो हम उसको बोलेंगे मार्केट सेगमेंट तो अपने मार्केट सेगमेंट को भी प्रॉपरली एनालाइज करना जरूरी है और उसके साथ साथ आपको एनालाइज करना है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स का मतलब है द मेथड्स फॉर गेटिंग द प्रोडक्ट टू द कस्टमर्स यानी कि जिस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट को जिस मेथड का यूज करके आप अपने प्रोडक्ट को अपने कस्टमर्स तक फाइनली अवेलेबल करा रहे हो अपने प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी कंज्यूमर्स तक एनसीओर करा रहे हो उसे हम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल नाम देते हैं तो यहां जब कंपनी अपने कस्टमर्स प्रोडक्ट्स सर्विसेज, मार्केट सेगमेंट्स और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को प्रॉपरली एनालाइज कर लेती है तो इसके बेसिस पर वो अपने इस ऑब्जेक्टिव को सेट कर सकती है कि वो मार्केट में कितने पर्टिकुलर शेयर को कैप्चर करना चाहती है ठीक है और जब हम इस पर्टिकुलर मार्केट स्टैंडिंग की बात करते हैं इसके रेफरेंस में ऑब्जेक्टिव्स को सेट करने की बात करते हैं तो यहां पर प्रोडक्ट मार्केट मैट्रिक्स ऑफ एनसोफ को फॉलो किया जाता है और उसके बेसिस पर बिजनेस के इस ऑब्जेक्टिव को प्रॉपरली सेट किया जा सकता है क्लियर एरिया नंबर टू एरिया नंबर टू इज द प्रोडक्टिविटी क्या मतलब है प्रोडक्टिविटी का और किस तरीके से यहाँ ऑब्जेक्टिव्स को प्रॉपरली सेट किया जाता है किसी भी पर्टिकुलर बिजनेस कंसर्न के द्वारा प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी इज द रेशियो ऑफ एंड इनपुट्स टू आउटपुट्स इट इज कंसर्न विद डिमिनेशन एंड बैलेंसिंग ऑफ इनपुट्स ऑफ मटेरियल लेबर फाइनेंस इक्विपमेंट एंड मैनेजरल स्किल्स टू प्रोड्यूस द फॉर्म्स आउटपुट तो प्रोडक्टिविटी या एफिशिएंसी का मतलब क्या है कि जो ऑर्गेनाइजेशन में इनपुट और आउटपुट का रेशियो है उसको हम एफिशिएंसी या प्रोडक्टिविटी के नाम से डिफाइन करते हैं और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहती है अपनी प्रोडक्टिविटी या एफिशिएंसी को इंक्रीज करना चाहती है क्योंकि एफिशिएंसी का फॉर्मला क्या है इनपुट अपॉन आउटपुट एफिशिएंसी कब इंक्रीज होगी जब इनपुट कम हो और आउटपुट की वैल्यू ज़्यादा हो यानी कि जब ऑर्गेनाइजेशन अपने कम से कम इनपुट्स का यूज़ करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट्स को गेन करने में कैपेबल हो जाती है तो हम कहेंगे कि उसकी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है तो जैसे वो कम से कम इनपुट्स से ज्यादा से ज़्यादा आउटपुट को प्रोड्यूस करती चली जाती है वैसे वैसे उसकी प्रोडक्टिविटी या एफिशियंसी इंक्रीज होती चली जाती है तो इसका मतलब जो प्रोडक्टिविटी है उसमें हमें डिफरेंट टाइप के इनपुट्स जैसे कि मटेरियल लेबर फाइनेंस इक्विपमेंट मैनेजरल स्किल को प्रॉपरली डिटरमाइन करना होता है और इनको प्रॉपरली बैलेंस करना होता है जैसे कि कम से कम यूज करते हुए हम इन रिसोर्सेज के बेसिस पर फर्म के आउटपुट को प्रोड्यूस कर सके। तो फर्म के आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए यह प्रोडक्टिविटी का रोल होता है क्योंकि तो प्रोडक्टिविटी के बेसिस पर फर्म दिए हुए आउटपुट को प्रोड्यूस करने में यूज किए जाने वाले इनपुट्स को प्रॉपरली डिटरमाइन करती है और उनको इस तरह से बैलेंस करती है जिससे कि कम से कम यूज में उस आउटपुट को ऑप्टेन किया जा सके एग्जाम्पल के तौर पर हम एक एग्जाम्पल एक समझ लेते हैं यहां पर व्हेन अ फॉर्म कट्स इट्स एम्प्लॉज टर्न रेट द कॉस्ट ऑफ हायरिंग एंड ट्रेनिंग न्यू एम्प्लॉज ड्रॉप्स दिस रिजल्ट इन इंक्रीज प्रोडक्टिविटी यानी कि मान लीजिए कि एक फॉर्म है जो अपने एम्प्लॉय के टर्न रेट को कट करना चाहती है ठीक है उन्हें कट कर दिया कट करने से क्या होगा जो नए एम्प्लॉयज को हायर करना है और उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है उसकी कॉस्ट ड्रॉप हो गई जब ड्रॉप हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाएगी तो प्रोडक्टिविटी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन ने अपने एम्प्लॉय टेनोवे रेट को कट करना चाह और कट करने की वजह से जो नए एम्प्लॉयज की हायरिंग और ट्रेनिंग कॉस्ट है वो कम हो गई और उसकी वजह से उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गई एक तो ये एग्जांपल हो गया दूसरा एग्जांपल व्हेन मटेरियल स्पेसिफिकेशंस आर चेंज्ड इन एसोसिएशन विद एन इंप्रूव्ड इक्विपमेंट द ओवरऑल प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज एक्चुअली क्या था पहले ऑर्गेनाइजेशन ओल्ड इक्विपमेंट को यूज कर रही थी ठीक है और उसमें जो मटेरियल का स्पेसिफिकेशन था वो ज्यादा था लेकिन एक इम्प्रूव्ड इक्विपमेंट को फोकस किया गया और उस इम्प्रूव्ड इक्विपमेंट के एसोसिएशन की वजह से जो मटेरियल स्पेसिफिकेशन था वो चेंज हो गया और वो इस तरह से चेंज हुआ कि उसकी आपको अब कम क्वांटिटी यूज करनी पड़ रही है तो इससे जो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी है वो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी क्या हो गई वो इंक्रीज हो गई पॉइंट क्लियर हो गया तो इसका मतलब यह हुआ कि जो प्रोडक्टिविटी ऑब्जेक्टिव्स हैं दीज कैन बी सेट इन सेवरल एरियाज इंक्लूडिंग वर्क मेथड्स, मशीनरी सिंक्रोनाइजिंग एंड इंक्रीज वर्कर एफिशिएंसी। जो प्रोडक्टिविटी का ऑब्जेक्टिव है वो किसी एक पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड नहीं है किसी एक पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड नहीं है इसको ऑर्गेनाइजेशन सेवरल एरियाज में सेट कर सकती है जैसे मार्केटिंग में भी फाइनेंस में भी प्रोडक्शन में भी एच में भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी हर जगह प्रोडक्टिविटी के ऑब्जेक्टिव्स को सेट किया जा सकता है यहाँ वो डिफरेंट टाइप के वर्क मेथड्स या फिर मशीनरीज को सिंक्रोनाइज कर सकती है या फिर वर्कर्स की एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकती है इस तरीके से डिफरेंट टाइप के प्रोडक्टिव या प्रोडक्टिविटी ऑब्जेक्टिव्स को सेट किया जा सकता है पॉइंट क्लियर हो गया ठीक है अब हम बात करेंगे अबाउट द थर्ड एरिया ऑफ Setting business objectives. Our third area that is the physical and financial resources. This is concerned with the generation and utilization of financial resources coupled with the organization of physical resources like man, materials, and machinery. सो द ऑब्जेक्टिव शुड बी एस्टेब्लिश्ड रिगार्डिंग प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्सेज एंड सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल यानी कि इस पर्टिकुलर एरिया में जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करती है जो फाइनेंशियल रिसोर्सेस को अरेंज किया जाना है और उनको एलोकेट किया जाना है जैसे कि मैन हैं मटेरियल हैं मशीनरी हैं इनके ऑप्टिमम एलोकेशन के रिगार्डिंग ऑब्जेक्टिव को यहां सेट किया जाता है यानी कि जो ऑब्जेक्टिव हैं वो प्लांट एंड इक्विपमेंट ह्यूमन रिसोर्सेज सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल इनके रिगार्डिंग एस्टेब्लिश किए जाते हैं ठीक है तो इनको हम फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्स ऑब्जेक्टिव में कंसिडर करते हैं नाउ कम टू द नेक्स्ट एरिया नेक्स्ट एरिया इज द प्रॉफिटेबिलिटी प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव आर इंपॉर्टेंट टू अकम्पलिस अदर ऑब्जेक्टिव तो प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव तो हर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सेट किए जाते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कितने प्रॉफिट को अर्न करना चाहती है तो इन प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव्स को तो सेट किया जाता है लेकिन इनके साथ साथ अदर ऑब्जेक्टिव्स को भी इंक्लूड किया जाता है जब हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करते हैं कौन कौन से एरियाज हैं ये द वेरी फर्स्ट एरिया इज द रिसर्च एंड डेवलपमेंट नीडेड फॉर इनोवेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेस तो प्रॉफिट के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन फोकस करती है कि ऑब्जेक्टिव को इस तरीके से, से सेट किया जाए कि प्रोडक्ट और प्रोसेसेस को इनोवेट करने के लिए हमें जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट चाहिए उसको प्रॉपरली फोकस किया जाए उसके रिगार्डिंग भी ऑब्जेक्टिव्स को सेट किया जाए क्योंकि जब आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट के रिगार्डिंग ऑब्जेक्टिव्स को सेट करोगे तो उसके बेसिस पर आप क्या करोगे अपने प्रोडक्ट्स और प्रोसेसेस को इनोवेट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट टाइप की टेक्नोलॉजी और टेक्निक्स को भी लगातार इन्वेंट करते रहोगे और उससे आपका प्रॉफिट क्या होगा लगातार इंप्रूव होता चला जाएगा तो प्रॉफिट को और ज्यादा इंक्रीज करने के लिए भी ये कुछ पर्टिकुलर अदर ऑब्जेक्टिव हैं जिनको इंक्लूड किया जाता है प्रॉफिटेबिलिटी ऑब्जेक्टिव में ऐसे ही दूसरा क्या है इसके रेफरेंस में द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ टू अपडेट द प्लांट एंड इक्विपमेंट अब सबसे बात क्या है कि आपको फाइनेंस की तो रिक्वायरमेंट है ही है तो अपने प्लांट और इक्विपमेंट को अपडेट करने के लिए आपको किस पर्टिकुलर फाइनेंशियल स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट है उसके रिगार्डिंग ऑब्जेक्टिव को भी यहाँ सेट किया जाता है कि भाई आपको अपडेट करने अपने प्लान और इक्विपमेंट को तो उसके रिगार्डिंग जो आपको पर्टिकुलर अमाउंट की रिक्वायरमेंट है या जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ आपको चाहिए उसके रिगार्डिंग भी यहाँ ऑब्जेक्टिव को सेट किया जाता है और तीसरा रहता है इसके अंदर द नीडेड टू अट्रैक्ट आउटस्टैंडिंग पर्सन और क्योंकि आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ में मार्केट में अवेलेबल हो आप प्रॉपर फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज के साथ में मार्केट में अवेलेबल हो तो आप किसी भी कीमत पर लोअर स्किल पर्सोनल्स के साथ में वर्कआउट नहीं करना चाहोगे आप क्या करोगे वो पर्टिकुलर सैलरीज अवेलेबल कराओगे अपनी आपके डिपार्टमेंट या आपके ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ में वर्कआउट कर सके और आपके प्रॉफिट को हाईएस्ट लेवल तक इंक्रीज कर सके तो इसी वजह से जब प्रॉफिट के ऑब्जेक्टिव्स को सेट किया जाता है तो उनके साथ साथ ये तीन एरियाज को भी मेनली फोकस किया जाता है जो ऑब्जेक्टिव्स को इंक्रीज करने में भी अपने इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करती हैं पॉइंट क्लियर हो गया नाउ कम टू द नेक्स्ट एरिया एंड दिस इज द इनोवेशन वेरी इंपॉर्टेंट एरिया इट इज द हॉलमार्क ऑफ प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी थ्रो एसोसिएटेड विद हाई डिग्री ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी तो इनोवेशन तो है क्योंकि इनोवेशन क्या है ये एक तरीके के किसी भी एंटरप्राइज के या ऑर्गेनाइजेशन के रेफरेंस में उसके प्रोग्रेस और प्रोस्परिटी के हॉलमार्क को रिप्रेजेंट करता है और इसके साथ में हाई डिग्री ऑफ रिस्क और अनसर्टेनिटी भी एसोसिएटेड होती है इसी वजह से यह जरूरत है फॉर न्यू एंड इनोवेटिव प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेस तो जब आप मार्केट में नए और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के साथ में अवेलेबल होते हो तो आप इनोवेशन को फोकस कर रहे हो और क्योंकि इसमें हाई डिग्री ऑफ रिस्क है तो अगर आप सक्सेसफुल हुए तो आपका गेन भी बहुत ज्यादा होता है तो जब आप कुछ नया लेकर आते हो तो ऑबवियस है उसके अंदर रिस्क बहुत ज्यादा होता है लेकिन अगर सक्सेसफुल हो, जा, हो जाते हो तो इसके साथ में रिवॉर्ड भी हाई लेवल का होता है तो यू मस्ट हैव अ कॉन्फिडेंस एंड मस्ट है मस्ट सेट ऑब्जेक्टिव्स इन रिगार्ड ऑफ द इनोवेशन जब इनोवेशन के रिगार्डिंग आप ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हो तो फ्यूचर में हाई रिवॉर्ड को गेन करने के चांसेस भी बने रहते हैं ओके नाउ द रेस्ट ऑफ द एरियाज ऑफ सेटिंग बिजनेस ऑब्जेक्टिव वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर ओके थैंक यू